अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है जी। इंशाल्लाह सब अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हम इंशाल्लाह इसमें नया करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ ज़्यादा। तो खैर आज इंशाल्लाह, क्योंकि शॉपिंग की थी अपने इस किचन के लिए, अपने देहाती किचन के लिए, तो वो बहुत पसंद आई। तो उसी के साथ मैंने आज देखा कि मेरे बालों में सफ़ेदी उतर आई है और बच्चे कह रहे थे इसको कलर करें, तो मैंने कहा नहीं, ये इतनी खूबसूरत मुझे लगा है कि मुझे अच्छा लगा है। तो बुज़ुर्गी आ रही है, तो बुज़ुर्गी का एक अपना एक रूप होता है और बहुत खूबसूरत रूप होता है, और मुझे बड़ा पसंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे बहुत इंतज़ार था कि इस तरह की अल्लाह ताला मुझे भी नवाजेंगे जी। तो ये शॉपिंग ये तो उस दिन वाली पहले वाली है, ये चाबियां जो थी और ये पुटारी जो थी ये तो पहले से थी। और आज हम लेके आए हैं जी ये एक कनाली और ये कढ़ाई लेके आए हैं, माशाल्लाह से बहुत वज़नी बहुत वज़नी। उन्होंने कहा कि इसके अंदर पहले कुछ मीठा बनाया था, हमने कहा ठीक है मीठा बना लेते हैं। ये बर्तन धोने वाली टोकरी मुझे इतनी पसंद थी, इतनी मैं जब भी गांव जाती थी ना किसी के गांव में देखती थी, मुझे इतनी पसंद आती थी, आखिर मैंने ढूंढ के ले आई इसको स्पेशल अपने देहाती किचन के लिए। इसके अलावा और क्या लेके आए हैं जी, और मैं आपको बताती हूँ क्या लेके आए हूँ। ये छाबियाँ उस दिन कम थी दीवार के लगाने के लिए, ये दो ही थी, तो ये मुझे एक और मिली, अच्छी लगी, बैक साइड से ज़्यादा अच्छी, लेकिन ये भी लेके आई। फिर ये एक लेके आई हूँ जी लहसुन प्याज बनाने के, ये लेके आए हैं जी एक चिमटा आग जलाने के लिए, वो पकड़ने के लिए। ये ना मैं इसलिए नहीं चूल्हा जला रही थी, क्योंकि जो भी चीज़ रखते थे ना चूल्हे पे वो फिट नहीं होती थी हमारा कोई पतीला देच का, तो ये मैं लेके आई हूँ चूल्हे के ऊपर रखने के लिए। मैंने पूछा कि जिससे भाई क्यों नहीं हमारी चीज़ें फिट हो रही, लालटेनों तो थी, ये दिया नहीं था, तो आज मैं ये दिया भी लेके आई। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लेके आई जो एक घर की पहचान होती हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लेके आई हूँ। और कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है ये तो फिर इंशाल्लाह करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो उम्मीद है आपको भी मेरी ये छोटी सी जो शॉपिंग है ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। कुछ और भी चीज़ें थी वो उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह भेजेंगे, तो वो जल्द इंशाल्लाह वो भेज देंगे, तो जैसे जैसे आते जाएंगे। तो हम जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जो है इस पर बिस्मिल्लाह करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह हम जो है ना हंडिया का बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाह करेंगे, उसमें बाकायदा कुछ बनाएंगे, लेकिन बाहर आग जला के इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अभी तक तो ये थी शॉपिंग हमारी, और अब जो है नेक्स्ट जो है ना वो खाने के लिए जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट खाने पीने वाला कोई ब्लॉग बनाएंगे, जिसमें बाकायदा तौर पर जो इस तरह करके वो जो गाँव के लोग रोटी लेके आते हैं और फिर खाते हैं क्या है वो सीन होता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर ये सारी रसूमात जो होती हैं देहाती किचन की वो सारी की सारी पूरी करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आप जो हैं वो फीडबैक के ज़रिए हमें ज़रूर बताएंगे कि हम लोग जो हैं वो इन रसूमात में किस हद तक कामयाब हुए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएँ ढेर सारा प्यार। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बाय बाय।